हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बहुत अच्छे वीडियोस में लाने वाली हूँ। तो आज मेरा वीडियो है ये ग्लिसरीन के ऊपर। आज मैं आपको बताऊँगी कि ग्लिसरीन से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और ग्लिसरीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ग्लिसरीन आती बहुत सस्ती है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक काम की चीज़ है। अगर आप अपने डेली रूटीन में इसको यूज़ करेंगे अपने बालों के लिए और अपनी स्किन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है मेरे पास मेरी ग्लिसरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस DIY को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को फेयरर एंड ग्लोई कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले ग्लिसरीन की, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी नींबू की। तो आप एक नींबू ले लें और ग्लिसरीन ले लें, देन MG बोल ले लें एक। तो यहाँ पर मैंने ये MG बोल लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टेबल स्पून नींबू का रस इसमें निचोड़ लें। हाफ नींबू इसमें इस तरीके से निचोड़ लें। फ्रेंड्स, आधा नींबू निचोड़ने के बाद आप अपनी ग्लिसरीन ले लें और ग्लिसरीन का एक टेबलस्पून लेके और इसमें मिक्स कर लें। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ ग्लिसरीन लेके और इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे इसको तो आपका एक ये थिन पेस्ट बन जाएगा। और इस थिन पेस्ट को आप स्टोर कर सकते हैं अपने किसी भी कंटेनर में, और रात में डेली आपको ये लगा के सोना है, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोई हो जाएगी जब आप सुबह उठेंगे। देन फ्रेंड, सेकेंड स्टेप है हमारा, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें अपना फेस किस तरीके से वॉश करना है। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है ये एक एम्प्टी बोल। तो अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बेसन की और दूध की। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा बेसन और कुछ मिल्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले DIY को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एम्प्टी बोल में कुछ एक टेबल स्पून बेसन डाल लें। तो मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ इसमें। देन उसके बाद में फ्रेंड्स आप डाल लें इसमें दूध। तो एक चम्मच आपको दूध लगेगा, आप इसमें डाल लीजिए। देन फ्रेंड्स, लास्ट में आप ले लें एक आधा चम्मच अपना ग्लिसरीन और अपना आधा चम्मच ग्लिसरीन इसमें मिक्स कर लीजिए। तो ये इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स कर लेंगे तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी, और इससे आप सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं, और एकदम ही आपकी स्किन जो है ग्लोई और फेयरर हो जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा DIY। देन देख लेते हैं थर्ड नंबर, बात आती है टोनर की। तो फेस वॉश करने के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपने स्किन की टोनिंग, जिसके लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है एक रोज़ वाटर की और ग्लिसरीन की। तो आप टोनिंग के लिए एक टेबलस्पून ग्लिसरीन और एक टेबलस्पून रोज़ वाटर मिक्स करके अपने फेस पे डेली वॉश करने के बाद लगा सकते हैं, जिससे कि आपका फेस बहुत अच्छे से टोन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि हम अपने हाथों के लिए और अपने बालों के लिए ग्लिसरीन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है एक एम्प्टी बोल। तो अब मैं इसमें लेने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। तो आप कोकोनट ऑयल ले लें और एक टेबलस्पून इसमें कोकोनट ऑयल अपना डाल लें। तो कुछ इस तरीके से मैं एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल इसमें डाल रही हूँ। तो ये डाल लिया है मैंने कोकोनट ऑयल इसमें। देन फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा जेल की। तो यहाँ पर मैंने ये एलोवेरा जेल लिया हुआ है। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके इसमें मिक्स कर लें कुछ इस तरीके से। देन एंड में डाल लें आप अपनी ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन आप थोड़ी सी ले लें, आधा चम्मच ग्लिसरीन लेके इसमें डाल लें। और फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप मिक्स करेंगे तो एक ये सीरम टाइप की कंसिस्टेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये जो सीरम है ये आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये आप अपने हेयर में लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आपको रूट्स में नहीं लगाना है, ओनली बालों में लगाना है, रूट्स को अवॉइड करना है। और यही जो सीरम है वो आप अपने हैंड्स पर भी कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और अपने हैंड्स को आप मसाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल ही ग्लोई हो जाएगी।
कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स इसके बाद में बात आती है अपनी लिप्स को पिंक बनाने की। तो पिंक लिप्स बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन और थोड़ी सी वैसलीन। तो आप ग्लिसरीन में वैसलीन थोड़ी सी ले लें, मिक्स कर लें, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अपने लिप्स पे अच्छे से लगा लें तो आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल ही मॉइस्चराइज हो जाएंगे और ड्राई स्किन बिल्कुल भी यू नो मॉइस्चराइज हो जाएगी और पिंक भी बन जाएंगे लिप्स। तो फ्रेंड्स यही थे मेरे कुछ यूज़ेस ग्लिसरीन के और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में ग्लिसरीन को अपनाएंगे, अपने स्किन केयर रिजीम में फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयरर और ग्लोई हो जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले जो भी अच्छे वीडियोज़ हैं वो आप तुरंत ही देख पाए। तो या गाइस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। Till then, stay beautiful, stay stylish. आपसे next video में मिलूंगी. Bye bye, take care.